हमारे यहाँ पूरे राज्य में 10,300 हेल्थ केयर वर्कर के फर्स्ट रोज में इतनी छोटा नागपुर प्रमंडल का जो प्रदर्शन है वो लगा ये इतनी ज्यादा मजबूत है कि अभी है वो अब तक आई नहीं है। विशेषकर जो बीपी स्टेप किया गया है जो प्रवासी मजदूर है उनके सारे के क्रम में रैपिड एंटीजन किट द्वारा जाँच। माननीय सांसद माननीय सांसदगण आदरणीय विधायक ने ये बैठक बुलाई है उसके द्वारा हम लोग मिलजुल कर संवाद करके सलाह लेकर इस बहुत ही गंभीर आज जब हम लोग चाहे कोविड डैशबोर्ड को देखें या जिला स्तर पे जो आंकड़े हम लोग जो एकत्रित कर रहे हैं उन्हें देखें तो सर्वप्रथम विनम्र निवेदन है कि आंकड़ों को सही किया जाए। इतने अच्छे हमारे डॉक्टर हैं इतने हमारे विशेषज्ञ हैं इनके साथ एक सुझाव दूंगा कि हम लोगों को जनता को जागरूक करना चाहिए। आजकल बहुत सारे गलत तरीके तो इससे भी लोगों को मुझे लगता है बहुत फायदा होगा बहुत लाभ इन्हें मिलेगा। राज ऐसे विपदा के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने की जज्बा को जिंदा रखना पड़ेगा और ये तभी इस ऐसे जंग से हम लोग और ऐसे भयावह स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आज आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझावें दी हैं और कई जरूरत की बातें भी कही है। झारखंड आप सब लोगों को पता है कि यह प्रदेश अत्यंत पिछड़ा प्रदेश है। आज हमारे खनिज संपदाओं से पूरा देश जगमगाता है। आज हमारी स्थिति स्वास्थ्य को लेकर शिक्षा को लेकर या अन्य चीजों को लेकर अभी भी चिंताएं बनी हुई है लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग सही ईमानदारी के साथ राज्य के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे तो हम इस अभिशाप से भी इस राज्य को बाहर निकाल लेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहूंगा। और आज इस संक्रमण में भी आप देख रहे होंगे भले ही अखबारों के बड़े बड़े अखबारों में हम ना छप रहे हों टीवी चैनलों में हम ना दिख रहे हों लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में बड़े पैमाने पे इस राज्य से ऑक्सीजन पूरे देश में जा रहा है। ट्रकों में भर कर ट्रेनों में भर कर हवा जहाज के माध्यम से अनेकों माध्यम से यहां से बड़े पैमाने पर हमारे देश में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। मैं इसका विरोध नहीं करता मेरी इच्छा भी है और मैं चाहता भी हूं कि राज्य सरकार के पास संसाधन है और आज ऐसे आपदा की घड़ी में अगर हम ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचा पाए ये हमारे लिए काफी सौभाग्य की बात होगी काफी गौरव की बात होगी झारखंड के लिए झारखंड प्रदेश के लोगों के लिए। हम लोगों ने हमेशा से देश में अपना एक उदाहरण अलग बनाया है। हम लोग हमेशा उदारवादी के साथ ये राज आगे बढ़ता। सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस जब थकती है सांस जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।